विपक्ष को जानवरों का झुंड बताया है। तो राजनीति में शब्दों की ना तो कोई मर्यादा होती है, और ये बातें इस बात को साबित करने के लिए भी काफी है जिस तरीके से बेतुके बयान सामने आ रहे हैं। एक बार आपको वो बयान सुनाते हैं जिस तरीके से सारी मर्यादाओं को तार करते हुए ये इस तरीके का विवादित बयान अनुपमा जायसवाल ने दिया है। मायावती को लेकर आपत्तिजनक शब्दों की मर्यादा को लांघा है। संजय चौहान हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, कोई शब्दों की भाषा, कोई मर्यादा नजर नहीं आ रही है, सारी मर्यादाएं टूटती हुई नजर आ रही है जिस तरीके से अनुपमा जायसवाल ने बयान दिया है गठबंधन को लेकर, मायावती को लेकर खासतौर पर। बिल्कुल सोनी जी, जिस तरीके से इस बार के खासकर लोकसभा के चुनाव में बयानों के जो वीर हैं और उनके विवादित बयान और स्तर इतना नीचा कि शायद सभ्य समाज के लोग उसे दोहराने में भी शर्म खाएं, लेकिन हमारे राजनेता ऐसे इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनके पीछे करोड़ों लोगों की सीख रहती है। वो देखते हैं कि हमारा नेता क्या कर रहा है, किस तरीके की के आचरण कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरीके का स्तर गिराना वो अपने आप में शर्म वाली बात है, और चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा इस ऐसे मामले को। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ा बयान आया है कि साहब, बीबी और गुलाम, साहब कांसी राम को सौंपा बोला गया है, बीबी मायावती को बताया गया है, वही गुलाम बताया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, बीएसपी के कार्यकर्ताओं को। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर भी तंज कसा गया है कि हाथी के गोबर को लेकर के अखिलेश यादव साइकिल पे लेकर के घूम रहे हैं। तो ये एक बड़े नेता के बयान को लेकर के बयान, एक ऐसे एक राज्य मंत्री है स्वतंत्र प्रभार, और उसके बाद मायावती हो या अखिलेश यादव, उनका कद और इनके कद में जमीन आसमान का अंदर अंतर है। और राजनीति में ये अक्सर देखने को मिला है स्वस्थ राजनीति में कि एक कल्चर रहता है, कल्चर के तहत राजनीति होती है, एक मर्यादा होती है, एक लेवल, अपने लेवल के नेताओं को पर टिप्पणी तो तीखी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं उनके साथ अगर उनका नाम भी लेते हैं तो उनके आगे जी लगाते हैं, उनके स्तर में और इनके स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक है, और बीजेपी के आला कमान के साथ साथ चुनाव आयोग को भी इसमें कहीं ना कहीं नजर रखनी होगी। बिल्कुल, संस्कृति और सभ्यता का परिचायक जिस तरीके से कहा जाता है, लेकिन वो नेता और मंत्री कहीं ना कहीं शब्दों की मर्यादा भूलते जा रहे हैं। अगर संजय देखा जाए, चुनाव आयोग को और कितना सख्त होने की जरूरत है। इससे पहले भी बेतुके बयान, अमर्यादित टिप्पणियां सामने आई, उसको लेकर चुनाव आयोग सख्त होता नजर आया, और सख्ती के बावजूद भी एक बार फिर से विवादित बयान सामने आ रहा है। बिल्कुल, और उसका एक असर और देखने को मिल रहा है कि यूपी के खासकर के बीजेपी हो या फिर और बड़े पार्टियों के बड़े नेता, चाहे आजम खान हो, मेनका गांधी हो या फिर मायावती हो या खुद योगी आदित्यनाथ, जब पार्टी के बड़े नेता ऐसे ओछे बयान देंगे तो फिर जो अन्य जो सेकेंड लेयर के नेता हैं उन्हें हौसला मिल जाता है, और वो यही वजह है कि उस हौसले की वजह से इतना बड़ा बयान साहब, बीबी और गुलाम और प्लस हाथी का गोबर जैसा शब्दों का इस्तेमाल मायावती जी के लिए किया गया है। तो जब उनको हौसला मिलेगा, आगे वो खुद अपने बड़े नेताओं से सीखेंगे, तो इस तरह की बयानबाजी देखने को आएगी। लगातार चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे मेनका गांधी हो, आजम खान को भी वैन लगाया गया, योगी आदित्यनाथ, मायावती के साथ साथ मेनका को भी वैन किया गया था। ऐसे में और तमाम नेता जिन्होंने बहुत भड़काऊ बयान दिए, चाहे पंडित सिंह हो, फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी रहे, उन्होंने राज बब्बर को जूते जूते की जो है धमकी दे डाली। तो ऐसे इन तमाम जो बड़बोले नेता हैं इन पर नोटिस से काम नहीं चलेगा, चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी होगी, चुनाव आयोग को दिखाना होगा कि चुनाव आयोग की असीमित ताकतें होती क्या है। बिल्कुल, हालांकि वार्न भी किया है चुनाव आयोग ने और हिदायत भी दी है कि अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने पर विवश ना होना पड़े, चुनाव आयोग को और सख्त होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की भी जरूरत है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन इस तरीके के विवादित बयान जिस तरीके से सामने आ रहा है, अनुपमा जायसवाल ने मायावती पर
विवादित टिप्पणी दी है और बयान किया है, इसको लेकर चुनाव आयोग को और भी सख्त होने की जरूरत है। बढ़ते आगे लोकसभा